दूजी मंजिल है, दूजी मंजिल ये अदालतों की लापरवाही आ। हरेक जना खड़ा इतने आ जाता है, कोई एंट्री दे रिस्क नहीं आ। एंट्री जिवें हाई कोर्ट च होंदी आ उवें दी चाहीदी आ। इतने मैनू नहीं लगता भी सिलेंडर फटिया, ये बम ब्लास्ट हो सकता है। ये बम ब्लास्ट है, ये बम ब्लास्ट है। मेरा नाम नरेंद्र आदि एडवोकेट लुधियाना डिस्ट्रिक्ट बार च। अज बड़ी मंदभागी घटना है, अज कोई बम ब्लास्ट होया है। मैं खुद एक डेड बॉडी देखा है, डेड बॉडी अंदर पई आ। हूँ डेड बॉडी यह नहीं पता लग रहा किसी वकील साहब है या कोई अदालत का मुलाजम है या कोई तारीफ पूतना है उस बंदे दी। मेरी प्रशासन को बेनती आ, हले एक लाश मैं देखे आ, कुछ जख्मी चार पांच हो चुके आ। और मैनू पता लगा मेरे कोई वकील साहबान आर एस मंड साहब भी कोई नुकसान होया, परमात्मा रे अजिहा ना हो। मेरी अदालतों को बेनती आ, सख्ती करो, जड़ा खड़ा ना एंटर हों दो। पंजाब का माहौल बड़ा खराब है। इस कोटा चल रही थी? नहीं, कोटा चल रही थी, बम ब्लास्ट हुए कोटा के दुर्ग वर्किंग दौरान। यह दूजी मंजिल है, दूजी मंजिल, दूजी मंजिल के कोल बाथरूम च। और साढ़े जो वकील साहब किसी को नुकसान होया है। और मेरी बेनती प्रशासन वकीलों को बेनती आ, अपने अपने परे रवो, अपनी अपनी गड्डियां कर लो और परमात्मा करे सुख शांति रवे। पूरे सहमे पिया, पूरा बिल्डिंग, पूरे वकील सहम चुके आ। सिक्योर कर लिया और सारी वेरीफिकेशन कर रहे हैं। यही पता लगे बंदा जरा उ डेथ हुई है और एक दो बंदे इंजर्ड है जो प्रिलिमिनरी सानू पता लगे। बाकी असं सारा वेरीफाई कर रहे हैं, सारे असं हॉस्पिटल भेजता, दे आर ओके। जो जो एन सी पी साहब ने आप ही भेजी है सारे, तो ये असी बॉम जो स्कॉड है वो आ रहे हैं डिस्पोजल। तो फोरेंसिक टीम भी असं बुलाई है चंडीगढ़ तो, वो सारा आके असं ताकि अजय देखो कहना बहुत औखा है क्योंकि साइंटिफिक चीज़ होंगी है। सारा एग्जामीनेशन फोरेंसिक रिपोर्ट तो बाद ही किया जाऊगा। सारा असं देख रहे, मैं पब्लिक में बारूद वर्गी स्मैल जी हले भी महसूस हो रही है क्योंकि उसके मटीरियल है, रिकॉर्ड रूम है, उस तरह की स्मैल वो थां आ रही है। बस मेरी पब्लिक को यही है कि पैनिक वाली गल नहीं, असं सारी गलू तहकीकात करके तुहाडे थ्रू ब्रीफ करते रहेंगे कि कोर्ट कॉम्पलैक्स में आने की कोशिश ना कर पब्लिक वाले। और दूसरा ये कि जिहड़ा एरिया है असं सील करके रखांगे, टिल दी फोरेंसिक टीम है अपनी सारी इहनूं चंगी तरह देख ली जाए। सर एक सवाल खड़ा रहिंदा कि अगर जो बंब भी हैगा तो उपर किस तरह है, क्योंकि नीचे चैकिंग होंदी है उपकरण दौरान नहीं पता। सर मैं वही देख रहा ना भी की चीज़ सी, कोई कोई भी चीज़ हो सकती है। देखो कोई मैनूं नहीं पता इतने अंदर कोई की इलैक्ट्रिकल अपलायंस की लगे हुए ने, सारा हम मैं जायजा लूंगा तो ही तुम दस सकेंगे ना। एक बार कोई होर चीज़ का भी एक्सप्लोजन हो जाता, कोई सुरक्षा भी सर कमी हुई हो सकती, सुरक्षा भी कोई कमी हो सकती है जी आई हुई। मामला को ब्लास्ट होया वा जिहदे बारे अजे कन्फर्म नहीं हो सकिया भी कादे नाल होया या कितना होया, पर बंदे दो तीन चार क बंदे को इंजर्ड ने जिन्हां दे विचों दो तां डेड हो चुके ने, बाकी कोई इंजर्ड ने जिन्हां नूं हॉस्पिटल भेजा गया उन्हां तो जज साहब बैठे नहीं, सारे बैठे हुए सीगे। और वो ब्लास्ट तो बाद फिर वो पिछले बने क्योंकि उन्हां तो यह अलहदा है बाथरूम के नाल हैगा जिथों होया। चार पांच बंदे जख्मी ने, हाँ जी हाँ जी चल रही है, बिल्कुल जान चल रही है जी, पुलिस टीमां पहुंच चुकी ने, बाकी जो भी होगा तुहानू अपडेट करते रहेंगे। ये जी मैं एडवोकेट अरुण खुरमी, 12:25 मैं उस कोर्ट तो 20 सैकंड पहले निकलिया सीगा, 10-20 फुट से जिहड़ा टर्न आंदा वो टर्न किया नाल ही पिछे ब्लास्ट हो गया। जे रिक्टर स्केल से मनो तो 8-9 रिक्टर स्केल से बिल्डिंगा हिलिया ने, इन्ना तेज ब्लास्ट सीगा, एकदम वाइट कलर का धुआं फैल गया और पोटाश की स्मैल इन्नी तेज सी कि साह भी नहीं लिता जा रहा सीगा। असी हौली हौली करके उपरों जो बंदे भज के आ रहे थे वो कड़े ने, उस तो बाद पता लग्या कि जो पुलिस डिपार्टमेंट के बंदे ने दस्सिया कि RDX का ब्लास्ट सीगा। हुण 3-4 बंदे डैथ जिन्हां ने डिकलेयर करते हैं, बाकी जिन्हां नूं कढ़ रहे ने वो हौली हौली पता लगेगा। असीं आप फिक्रमंद हैगे आ, साडे जिहड़े एडवोकेट्स ते लिटिगेंट्स हैगे ने जिहड़े थाए होणे, असीं देख रहे हां भी उहनां चों किसे नूं साडी हेल्प दी लोड़ आ, असीं खड़े हां। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਜੀ?
बंदे तीन चार बड़े दस रहे हैं, तीन चार बंदे मर गए ने, हूँ तक तीन का तो कन्फर्म उस वे करता है। ठीक है जी, थैंक यू। वह आए जो एक दूजे आप कट कट बुरा भरा बोली जाने, पंजाब ने बुलाओ सस्पेंड करी जाने, पंजाब पुलिस तनखा भी मिली नहीं, हजे 23 तरीक हो गई, पंजाब ने बुलाओ तनखा भी मिली, इन्ना काम कर रहे हैं, इन्ना काम कर रहे हैं, इस करके जो काम है ना कर दो प्लीज, जो आई एस आई आ जा खालिस्तानी वो लोग साड़ी जी नौ माह की पंजाब एकता खड़ता वा उन्होंने खराब करना चाहते हैं। पट्टी कोट से एंटी सैपटरी चैकिंग करने वास्ते आए, कोई इतने कोई मतलब कोई छक्की चीज ना पई हो, इस करके सर्च वास्ते आए। किस तरह का सर सर्च किया जा रहा है? डॉग के नाल जी एंटी सैपटरी साड़ी टीम है डिस्ट्रिक्ट की, वो असं सर्च करवा रहे सर। हूँ तक कुछ भी मिले कुछ नहीं, नहीं, नहीं। ठीक।